अस्सलाम वालेकुम फ़्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे अच्छा तो देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोगों की कार आ चुकी है और हम लोग फाइनली इसमें वेट के पहुँच चुके हैं मार्केट अच्छा तो यहाँ पर ऑटो आया है खैर हम लोगों को है ना ऑटो के लिए ज़्यादा खड़े नहीं रहना पड़ा और बहुत जल्दी से ही हम लोगों को ऑटो मिल गया वैसे थोड़ी शाम हो जाती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को जो है ऑटो फटाफट से मिलते नहीं है ऐसा हो जाता है अच्छा तो हम लोग मार्केट आए हैं वैसे तो हम लोगों को कुछ अलग सामान लेना था लेकिन फिर हम जो है हम लोग डायरेक्टली आकर स्टोर पे और यहाँ से जो है हम लोग कुछ कॉस्मेटिक आइटम्स वगैरह लेने थे तो वही हम लोगों को याद आ गए तो वो सब जो है हम लोग देखने लगे यहाँ पर अच्छा तो इस वाले स्टोर पर अक्सर जो है हम लोग परीलोक पर जाते हैं वैसे मैंने आप लोगों के साथ वहाँ की काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है शेयर की हुई है लेकिन आज जो है हम लोग अलग वाले स्टोर पर आए हैं तो जगह जगह की चीज़ें ना ट्राई करते रहना चाहिए अच्छा और यहाँ पर देखिए रखा हुआ है देसी कट्टा वैसे गन पता नहीं देसी कट्टा क्यों कहते हैं वैसे और नाम है ना ये वाला जो है ज़्यादा अच्छा लगता है उसे लेने के लिए और तो यहाँ पर जो है हम लोग अभी लिपस्टिक वगैरह जो है चेक कर रहे थे कलर थोड़े समझ में नहीं आ रहे थे और कुछ जो है मम्मी पसंद कर रहे थे तो फाइनली फिर हम लोगों ने काफ़ी ढूंढने के बाद जो सामान हम लोगों को चाहिए था तो वो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया और उसके बाद जो है मम्मी और मैं थोड़ा यहाँ पर टहलने लगे खैर हम टहल नहीं रहते हम लोगों को जाना था आगे दुकान पे सामान लेने के लिए वहीं पे और खैर थोड़ा पैदल चलने में अच्छा भी लगता है सो तो और वैसे ऑटो में आकर चले जाते हैं इस तरफ से तो ये जगह वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देता है आस का व्यू तो बिल्कुल भी तो देखिए वो उस तरफ वाली पुल है जहाँ से कि मंदिर है सामने वाला और हम लोग जो है अक्सर वहाँ से आते हैं ऑटो उस तरफ से ही जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे व्लॉग्स में मेरे फिर जो है हम लोगों ने सारा सामान वगैरह लेकर यहाँ से हम लोग निकल गए आगे और यहाँ पर जो एक शॉप थी तो हम लोग अंदर आ गए यहाँ पर हम लोग टॉपर वगैरह देख रहे थे लेकिन फिर जो है हम लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे कुछ और फिर जो है हम लोग आ गए यहाँ पर सब्जी वगैरह लेने के लिए तो हम लोग फ्रूट्स वगैरह भी लेने थे रात में जो शाम के टाइम इफ्तार के लिए और यहीं से जो है हम लोग फ्रूट वग़ैरह लिए फिर सब्ज़ी लेने का हम लोग का इरादा था लेकिन फिर सब्ज़ी जो है समझ में ही नहीं आ रही थी अच्छा सब्ज़ी का जो है बड़ा ही वो मसला रहता है पता नहीं समझ में ही नहीं आती कि क्या लेना है तो फिर हम लोगों ने सब्ज़ी नहीं ली और यहाँ से जो है फ्रूट्स वगैरह ले लिए हम लोगों ने और फिर जो है आगे हम लोगों को अभी दुकान से लेना है कुछ सामान और ये वाली ना मस्जिद मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है अच्छा अक्सर हम लोग जब इस भी दिल से आते हैं ना तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ इसकी वीडियोस लेने के लिए लेकिन कभी हम लोगों को अगर जल्दी वगैरह होती है तो फिर मैं जो है नहीं ले पाती हूँ बिल्कुल भी और हम लोग जो है चले जाते हैं अच्छा तो यहाँ पर मैंने मम्मी को रोका था कि दो मिनट रुक जाओ मैं जो है यहाँ पर से वीडियो लूँगी सामने से और फिर रुक के मैं वीडियो ली और देखिए ये जो है ना सारा अभी इफ़ारी की तैयारी हो रही है यहाँ पर तो काफ़ी जगह जो है ये इफ्तार कराने की तैयारी हो रही है अभी काफ़ी सारी पब्लिक को ये लोग इफ्तार कराएँगे और शहरी भी ये लोग करा रहे हैं तो खैर उस टाइम तो मैं आई नहीं तो वो सब वीडियोस तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती और मैंने इन लोगों के लिए वैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह यहाँ पर ये यह सारा जो है काम हो रहा है अभी जो है प्याज वग़ैरह काट रहे हैं वो अभी से जो है तैयारी कर लेते हैं ये लोग तो इफ्तार के टाइम तक जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को बनाना पड़ता है ना उसी के लिए अच्छा तो फिर जो है हम लोगों को लेना था मेन सामान यहाँ से हम लोगों को लेना था राशन उस दिन जो है हम लोग आए थे ना तो राशन वगैरह हम लोगों ने नहीं लिया था क्योंकि हम लोग जो है लेट हो गए थे फिर तो जो है सामान हम लोगों को लेना था उस टाइम तार वगैरह का वो ले लिया था और राशन लिया ही नहीं था तो फिर इसके लिए हम लोगों को डबल आना पड़ा और यहाँ पर जो है इकट्टा वगैरह हम लोगों ने रखवा लिया है वहीं से और बाकी का सारा सामान जो है आगे की सीट पे रख के बैठ गई मैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि इकट्ठा गिर जाएगा पीछे पता नहीं क्यों क्योंकि वो जो है पीछे की जो लगाव होता है ना उसकी जो है कड़ी मुझे ठीक नहीं लग रही थी कुछ और यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँचने वाले हैं और बी फातमा के रोजे की उस तरफ की दीवार देखिए अभी शहीद की हुई है क्योंकि अभी यहाँ पर काम चालू है मैंने आप लोगों को दिखाया है पहले भी कि यहाँ पर जो है बारहवें इमाम का रोज़ा तमीर होने वाला है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल ब्लॉग मौजूद है आप लोग जाकर देख सकते हैं कि जो है वहाँ पर किस तरीके से मतलब जो है पहले वाला जो मेहंदी हुआ था वहाँ पर तो वो जो है शहीद किया हुआ है अभी तो वो सारे ब्लॉग्स मेरे चैनल में मौजूद है आप लोग देख सकते हैं अच्छा तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पर जो है इफ्तारी के लिए तैयारी हो रही है तो सारा जो है अभी हम लोगों ने बाहर मम्मी ने चूल्हा जला लिया है क्योंकि जो है फिर खाना जो है जल्दी बनकर मतलब रेडी हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ना हम लोगों के गैस का भी एक चूल्हा जो है थोड़ा सा ख़राब हो रहा है वो चल नहीं रहा है ठीक से उसको पता नहीं क्या हो गया है और तो उसको जो है सुधरवाना पड़ेगा और तो यहाँ पर अभी हम लोग बना रहे हैं अंडे की सब्ज़ी तो अभी बाजी ने जो है इसको बगाड़ दिया और फाइनली हम लोगों की अंडा की सब्जी बनकर रेडी है और उसके साथ जो है मम्मी यहाँ पर बना रहे हैं पकौड़े और पता नहीं इसका दूसरा नाम भजिए भी है ना भजिए कहते हैं सब तो भजिया थोड़ा कहने में ना थोड़ा फनी सा नाम लगता है मतलब कि भजिया अच्छा तो इसीलिए मैं तो पकौड़े कहती हूँ खैर आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और फिर जो है इसके बाद यहाँ पर मम्मी पिंगल फ्राई कर रहे थे और वो भी दो दो पिंगल करके फ्राई कर रहे थे क्योंकि तेल फिर उड़ जाता है अच्छा एक बार हुआ था कि मम्मी के ना पाँव पर जो है तेल उड़ गया था उनका पाँव जो है चेट गया था अच्छा तो यहाँ पर हमारी फिर इफ्तारी जो है बनकर रेडी हो चुकी है और यहाँ पर हम लोगों ने अलग से थाली भी बना ली है पर जो अब हमारे पड़ोस में जो आंटी रहते हैं ना तो मैं उनके लिए इफ्तारी लेकर जा रही हूँ यहाँ पर और फिर फाइनली जो है अभी यहाँ पर मगरिब की अजान भी हो चुकी है तो बाजी मम्मी और हम लोग सब बैठ गए यहाँ पर रोज़ा इफ्तार करने के लिए तो उस फिर जो है रोज़ा वगैरह खोला हो यहाँ पर और सब अभी जो है खाना खा रहे तो चलिए फिर यही था हमारा आज का व्लोग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप सबको मेरा आज का व्लोक कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बाय